और अब खबर विस्तार से, जहां भोपाल एम्स के डॉक्टरों की हड़ताल का दूसरा दिन है। हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर लिखित आदेश की मांग पर अड़े हुए हैं। कोलकाता दरिंदगी के बाद प्रदर्शन किया जा रहा है। कोलकाता में रेप के बाद डॉक्टर की हत्या कर दी थी। मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसके बाद हत्या कर दिए जाने के विरोध में लगातार देश भर में डॉक्टरों का जो रोष है वो सामने आ रहा है। एम्स भोपाल में भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो विरोध प्रदर्शन है वो चल रहा है, और लगातार दूसरे दिन आज जो डॉक्टर्स हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, वो यहां पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। और इनकी मांग है कि जल्द से जल्द न्याय होना चाहिए, ऐसे कानून बनने चाहिए, ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो दोबारा ना हो। डॉक्टर्स से हम बात कर लेते हैं, फिलहाल क्या मांगे और जो अब तक आश्वासन मिला है सरकार की तरफ से, उससे कितने संतुष्ट हैं आप लोग? अभी तक हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट तो नहीं मिला है, सीबीआई को हैंड ओवर किया गया केस है, वो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। और जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें हमें ये चाहिए कि कुछ भी डॉक्टर के प्रति कुछ भी गलत हो तो उसके लिए ग्रीवियंस कमिटी बने, वो कमिटी एड्रेस करे हर चीज को विद इन 48 आवर्स, या कुछ टाइम पीरियड होना चाहिए, और हर स्टेट लेवल पे हर ग्रीवियंस कमिटी टीम बननी चाहिए। अभी कौन कौन सी आप लोग जो यहाँ पे सेवाएं देते हैं, इमरजेंसी सर्विसेज है, अलग अलग सर्विसेज है, तो उसमें काम करेंगे या पूरा बहिष्कार है? अभी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जैसे कि उनमें भी काम चल रहा है। वार्ड में जो इमरजेंसीज है या जो ओटीज हैं, ऑपरेशन थिएटर से माइनर जो पहले से बुक्ड है उन पर काम चल रहा है, लेकिन जो ओपीडी सेवाएं हैं जहाँ पे जूनियर रेसिडेंट्स या जो भी रेसिडेंट्स काम करते हैं वो अभी वहाँ पे बंद की गई है। वहाँ पे जो सीनियर डॉक्टर्स है वो फिर भी चल रहे हैं, मरीजों का इलाज अभी भी चल रहा है। हमारी तरफ से अभी इतना ही है, इमरजेंसी सर्विसेज अभी चालू है। लगातार एम्स के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, वो हड़ताल पर, प्रोटेस्ट पर डटे हुए हैं, और इनका कहना है कि इस तरीके के मामले जो बार बार डॉक्टरों के साथ हिंसा के हो या रेप के हो जो सामने आते हैं, ये बंद होना चाहिए और सख्त एक्शन, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि सीबीआई को केस हैंड ओवर किया गया है, इससे ये डॉक्टर्स खुश हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे।